हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीबीएमएस जो हम लोग के सिलेबस में है, तो उसमें हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे थे, एसक्यूएल। ठीक है, तो उसमें आज हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला, पहले देखते हैं हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है। लेक्चर हमारा 21 होने वाला है। अगर आप 21 के पहले कोई भी लेक्चर नहीं देखते हैं, आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आई बटन पे क्लिक करिए, जाके पूरा प्लेलिस्ट वहां पे लगा है, देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं आप। पूरा प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 12th में हो या आपके छोटा कोई रिलेशन में भाई या अदर कोई है, तो उसको बता देना क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, एकदम फ्री में पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, अदर सब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, जाके देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वरना हमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक क्या है, ट्रांजेक्शन। अब वर्ड का नाम सुनते ही हमको, मतलब ट्रांजेक्शन का नाम सुनते ही हमको दिमाग में क्या आया, मतलब कहीं ना कहीं हमको ट्रांजेक्शन करना है, पैसा ट्रांसफर करना है इधर से उधर। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल से अपना करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं मोबाइल से, ये होता है हमारा। और एग्जाम्पल दें अगर हम आप लोग को, और एक तो क्या करते हैं, आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं, वहां पे क्या है, आप जाते हैं एटीएम में अपना एटीएम लगाते हैं, वहां पे अपना पूरा और वो देता है इन्फॉर्मेशन, हाँ हमारा ये है, पूरा उसमें शो करता है। उसके बाद आपको क्या लास्ट में पिन डालना पड़ता है, फिर वहाँ पे क्या लिखता है, योर ट्रांजेक्शन बिल सक्सेसफुल, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा आपके हाथ में आ जाता है। मतलब क्या है, ये सब ट्रांजेक्शन ही तो है, तो यही सब है ना, तो यही सब हम इसमें देखेंगे। चलिए फिर यहाँ पे क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म अ लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यानी क्या करना है इसमें, हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन को यूज करना है, और क्या होगा हमारा, परफॉर्म टू लॉजिकल यूनिट होगा, यानी कुछ वर्क होगा हमारा। यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है, सेट ऑफ ऑपरेशंस को यूज करना है, और हमारा होगा क्या, वर्क होगा। अगर हम जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, एटीएम पे आप जाते हैं, तो एटीएम तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आपका पैसा लेके खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं है वहाँ पे, आप क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन को मतलब यूज करते हैं। जैसे कि वहां पे आप क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, अपना पहले जाते हैं एटीएम में, अपना एटीएम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, आपको उस पे वो रीड करने का पहले आपके एटीएम से अकॉर्डिंग डाटा उसमें, फिर आप क्या करना चाहते हैं, वो आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए देगा, यानी हिंदी करना चाहते हैं, अंग्रेजी करना चाहते हैं, अदर। ठीक है, ये लैंग्वेज देगा, उसके बाद पूछेगा कौन सा बैंक है, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है कि अदर। तो यहाँ पे क्या, जनरली हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या करना, चेक बैलेंस करना है या ट्रांसफर करना कहीं पे, या हो सकता है आपको विड्रॉ करना, तो हम पर आप विड्रॉ करने जाते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आपको कितना पैसा निकालना है ये लिखना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वो लास्ट में आपसे क्या पूछेगा, पिन पूछेगा, जो आपका एक जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुप्त पिन, मतलब जो 4 अंक का होता है। ठीक है, जब आप उसको लास्ट में पिन इंटर करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका पैसा वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, फिर वहां पे डिस्प्ले पे लिख के आएगा योर ट्रांजेक्शन विल बी सक्सेसफुल, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। यानी वहां पे क्या किया, कुछ ऑपरेशन यूज किए, जैसे कि बताए ना, पहले एटीएम में जाएंगे, एटीएम में लगाएंगे अपना एटीएम, फिर डिस्प्ले करेगा जो वहाँ पे उसको देखेगा, रीड करेगा आपके एटीएम से रिलेटेड डाटा को, वहाँ पे बताएगा कितना बैलेंस है, कितना आप निकाल सकते हैं, बताएगा। अगर आप जैसे 500 रुपए आपके अकाउंट में है, तो आप जाएंगे 10,000 निकालने के लिए, निकलेगा नहीं निकलेगा, वहाँ पे क्या इनवैलिड बता देगा। तो यही है ना, ये सब क्या करता है, ऑपरेशन को यूज करना पड़ता हमको। फिर यहाँ पे क्या देखिए, ए ट्रांजेक्शन जनरली रिप्रेजेंट चेंज इन डाटाबेस, क्या करता है ट्रांजेक्शन, डाटाबेस में कुछ चेंज होता है, ये क्या करता है, जनरली कुछ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसमें, डाटाबेस में चेंज करता है, यही होता है। अगर चेंज का मतलब, अगर आप कुछ पैसा निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ पैसा आप निकालेंगे, आपके अकाउंट में 500 था, उसमें से 200 निकाले, तो वह क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ ना डाटाबेस में, 10,000 का 5,000 निकाले, 5,000 में चलेंगे, कुछ तो चेंज हुआ, वही ये क्या करता है, जनरली रिप्रेजेंट करता है, डाटाबेस में क्या होता है, चेंज करता है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा देखिए, वर्क विथड्रॉल मनी, जैसे हम क्या करते हैं, बैंक एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देख लीजिए ये क्या है, अपना एचडी
एचडी मतलब हार्ड डिस्क। यहाँ पे क्या है, जो हमारे बैंक के होल्डर है उनका यहाँ पे सारे का डाटा, यानी उसके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाए, कितने किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, किसके पास कितना है, किसका कितना ट्रांसफर हुआ था, कितने अब आगे आज ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट आया, ये सब यहाँ पे क्या है पड़ा, यहाँ पे हमारा पूरा ऑल डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यूजर है, यहाँ पे यूजर है। अब ये गया एटीएम में, क्या किया एटीएम में, एटीएम लगाया, यहाँ पे क्या करता यूजर पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको क्या करते हैं एक्सेस करने के लिए, यानी पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, ये मान लीजिए आपका मशीन है, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जब आप एटीएम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पूरा उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद बताएगा कि यहाँ आपको कितनी की जरूरत है। जब यहाँ पे ये आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे आपका रिलेटेड डाटा सेंड करेगा, तो यहाँ पे पूछेगा कि इसकी इसके में बैलेंस कितना है, पहले रीड करेगा आपके क्या करेगा आपके अकाउंट को रीड करेगा, रीड करने के बाद बताएगा हाँ इसके में इतना बैलेंस है, ट्रांसफर हो सकता, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, हाँ आपके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाएगा आपका, तो जब आप आगे प्रोसेस बढ़ाएगा तो लास्ट में क्या होगा, आपका पैसा करके फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आप तो ये है नहीं, कई सारे यूजर है, कई सारे यूजर एक साथ इंटर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा डेटाबेस स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा, ठीक है। तो आप कभी कभी देखते हैं हम लोग का क्या होता है, एटीएम में पैसा फंस जाता है, मतलब एटीएम से पैसा कट गया, मैसेज तो आ गया हमारे मोबाइल पे, लेकिन क्या वो हमको पैसा मिला ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है पैसा कट जाता है, वही होता है ना, मतलब एक साथ कई सारे यूजर उसमें यूज करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा ट्रांजेक्शन हम करते हैं पूरा रियल में, वो दिखाते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे मान लेते हैं ट्रांसफर करते हैं पैसा, क्या है जैसे ऑनलाइन में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं हम लोग पहले क्या करते हैं गूगल पे फोन पे जो जिससे हमको ट्रांसफर करना रहता है खोलते हैं, खोलने के बाद क्या करते हैं जितना पैसा जिस पे करना पड़ता है वो भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में क्या करता है यूजर आपका पासवर्ड चेक करता है, वहां पे लास्ट में क्या करता है पासवर्ड आपको लिखना पड़ता है, अगर आप पासवर्ड गलत लिखेंगे तो क्या होगा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा हाँ जिस बंदे का ये अकाउंट है वो बंदा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अगर पासवर्ड मैच करेगा हाँ मतलब वही है, हो सकता है वही हो या दूसरा हो लेकिन पासवर्ड मैच करना चाहिए, जब पासवर्ड मैच करेगा तो आपका पैसा क्या होगा ट्रांसफर होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफर करता है, जैसे यहाँ पे क्या दो अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर बी, यानी दो भी दो बंदे हैं, ठीक है, अकाउंट है अकाउंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, ठीक है, मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेशन सबसे पहले क्या लगेगा रेड का, यहाँ पे इसमें क्या होता है दो ऑपरेशन लगता है, एक क्या होता है रीड, दूसरा क्या होता है राइट, ये हमारा दो ऑपरेशन लगता है, यानी एक में क्या करेगा पहले रीड करेगा फिर राइट करेगा फिर रीड करेगा फिर राइट करेगा, ये क्या है पहले आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसको रीड करेगा फिर उसको क्या करेगा चेंज करेगा, ये हमारा क्या है रीड में क्या होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक्सेस करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है राइट में कुछ चेंज करता है, यहाँ पे क्या करता है चेंज करता है, चेंज यानी अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से क्या करता है 500 रुपए माइनस कर देता है तो क्या होगा जो बैलेंस पहले था वही बैलेंस दिखाएगा, नहीं दिखाएगा क्योंकि चेंज हो चुका है, कैसे चेंज हुआ 500 रुपए माइनस कर दिया ना तो वही आपने यूज कर दिया 500 रुपए तो वहाँ पे क्या हो चेंज हो जाएगा, तो राइट मैच जनरली क्या होता है चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है ये ट्रांजेक्शन है, तो इसमें क्या है एक बंदे के पास मान लीजिए कितना है रीड पहले करता है रीड ए करेगा, ठीक है, रीड ए करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ये डाटा ये जिसका हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से रीड करके बताएगा मान लीजिए इसके पास कितना है 1000, ठीक है, इसके पास कितना है रीड इज इक्वल टू 1000 हमको बता दिया। अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा मान लीजिए किसी बी के पास ट्रांसफर करना चाहता है तो यहाँ पे क्या करेगा राइट राइट ए इक्वल टू माइनस 500, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा 500 रुपए माइनस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जब रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे फिर क्या करेगा रीड ए करेगा, रीड ए करेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 500, बिकॉज यहाँ पे 500 रुपए माइनस हो चुका है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ पहले यूजर का काम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा दूसरा यूजर, यहाँ पे क्या करेगा रीड बी करेगा, तो रीड बी करेगा मान लीजिए इसके में क्या है 500 रुपए मांगते हैं, ठीक है, इसके में क्या है 500 मांगते हैं,
देखिए थोड़ा गरीब था, इसके पास क्या था 500 ही था, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या रीड 500 आ गया, उसके बाद क्या करेगा, इसमें राइट करेगा, राइट बी इक्वल टू प्लस 500 करेगा, यहाँ से जो 500 माइनस हुआ वो कहाँ जाएगा, बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, ए से बी में ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें ऐड होगा, फिर ये क्या करेगा, फिर रीड करेगा, रीड बी करके इक्वल टू टोटल ये कितना हो जाएगा 1000। अब आप सोचेंगे 1000 कैसे हो गया, अरे 500 रुपए इसका बैलेंस ही था, 500 रुपए ट्रांसफर के टोटल उसको ऐड करके आपका पूरा रेट बैलेंस दिखा दिया, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ गया है टोटल, और इसके अकाउंट में कितना इतना ही बैलेंस है, थोड़े इसके में माइनस और इसके में प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कमिट होगा, कमिट क्या होता है, अगर कमिट नहीं होगा तो आपका ये ट्रांजेक्शन पूरा, जैसे आप क्या करते हैं कोई भी डाटा फिल करते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं ना, सबमिट करते हैं, यहाँ पे कमिट होता है, तो यहाँ पे क्या है ट्रांजेक्शन में कमिट होगा, जब कमिट यहाँ पे हम करेंगे क्या करते हैं कमिट, जब हम कमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जो डाटा होगा ये क्या करेगा, पूरा पूरा जैसे चेंज होना चाहिए वैसे चेंज हो जाएगा, यानी इसके से 500 रुपए माइनस हो जाएगा, इसके भी 500 रुपए ऐड हो जाएगा, हम पांच छोटा छोटा अमाउंट लिए हैं, आप अगर 5,000-10,000 करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा जो रूल है वो यही लगेगा, हम बताना यही चाह रहे थे आपको, ये हमारा जो स्टेप है यानी स्टेप बाय स्टेप हम जो करते हैं, हमारा रूल जो लगाना हमको वो यही लगेगा, हम इसी हिसाब से अपना यूजर पूरा क्या करता है एक्सेस करता है डेटाबेस के पास, डेटाबेस क्या करता है फिर उसको रिव्यू करके बताता है क्या कितना है, अगर इतना है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन का इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, ये हमारे क्या है ट्रांजेक्शन इंट्रो वीडियो है, यहाँ पे आप लोग को क्या है नॉर्मल चीज बताइए, बाकी आपको शेड्यूल कैसे होता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे होता है, ये सब पहले से बता दिए, ये सब हम पहले से बता दिए, अगर आप नहीं देखे तो इसलिए बता रहे हैं, आई बटन पे वीडियो लगी हुई जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, जाके आप वहां से भी देख सकते हैं, पूरा प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई, ये नहीं कि एक लेक्चर दे दिए उसके बाद आपको लेक्चर ही नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, उसके बाद अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं ये सब करना, तो आप पहली बार जुड़ना चाहते हैं मतलब जुड़ गए या फिर क्या किए कभी कभी भूल गए थे, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, एक चीज याद क्या रखना है, छोटा सा वर्ड यहाँ पे क्या लिखना है, डी डी एम एस जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आप पहले बता देते हैं क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, डीबीएमएस बाई आर एस पी, आप अगर इतना लिख देंगे, सिर्फ आप क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे तो ये हम आपके पूरे प्ले लिस्ट की वीडियो आ जाएगी, यानी आपके डेस्कटॉप पे वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं एस क्यू एल एस क्यूएल बाई आर एस पी, ठीक है, आप ये भी लिख के सर्च कर सकते हैं, तो क्या होगी आपकी वीडियो आपके सामने मिल जाएगी, ठीक है, हो सकता है आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाए, यानी प्ले लिस्ट मिल जाए, हो सकता है आपको कोई वीडियो मिले तो उससे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।